रमेश गुप्ता बोकारो स्टील प्लांट में अच्छे पोस्ट पर थे। उनके परिवार में पत्नी सुनीता और एक बेटी रजनी थी, जो बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। रजनी मॉडर्न विचार वाली बिंदास लड़की थी। रजनी आज सुबह से ही बहुत खुश थी। उसे कॉलेज फ्रेंड रोहित के साथ घूमने जो जाना था, सब काम पल भर में कर लेना चाहती थी। सुरभि, आ रही हो ना संजय के साथ? यस डियर, सारा काम प्लान के अनुसार ही चल रहा है। ओके डियर, फोन रखती हूँ। रजनी, चलो आओ, खाना खा लो। मम्मा, मुझे भूख नहीं है, मुझे लेट हो रही है। एक दोस्त के यहाँ जाना है मुझे, कुछ नोट्स लेने हैं। अरे, अभी सुबह के 8 बजे हैं, इतनी भी क्या जल्दी कि खाना भी ना खाओ? नाश्ता टेबल पर रख दिया है, चुपचाप खा लो। दोस्त कहीं भागी नहीं जा रही है। ओके बाबा, मैं खा लेती हूँ बस। रजनी दो ब्रेड ही खाई थी कि गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ता है। वो नाश्ता छोड़ अपनी बैग उठा चल देती है। मैं जा रही हूँ मॉम, बाय। ठीक है, जल्दी आना। आजकल की लड़कियां तो सुनती ही नहीं, जाने क्या होगा इन लोगों का। कम ऑन, हरी अप, जल्दी बैठो। रोहित और संजय निकल चुके हैं, अगले बस स्टॉप पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अब जल्दी चलो। ओके स्वीट हार्ट। देखो, रोहित एक आदर्शवादी लड़का है, इसीलिए जरा प्यार से हैंडल करना। सुरभि रजनी को लेकर अगले बस स्टॉप पर पहुंचती है। वहां पहले से इंतजार कर रहे रोहित और संजय गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी हाईवे पर दौड़ने लगती है। करीब 3 घंटों के बाद 11 बजे रांची के पास एक गेस्ट हाउस में पहुंचती है। ये गेस्ट हाउस सुरभि का है, जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। वाह, क्या शानदार लोकेशन है। सुरभि, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा इतना बड़ा फार्म हाउस है। इसमें बताना क्या, तुम्हें तो सीधा दिखा ही दिया। पहाड़ों से घिरा ये फार्म हाउस कितना मनमोहक है। अरे वो देखो, स्विमिंग पूल। चलो स्विमिंग का मजा लिया जाए। हाँ चलो स्विमिंग करते हैं। लेकिन कपड़े तो नहीं है हमारे पास। हाँ यार, अगर पहले से पता होता कि हम ऐसी जगह पर जा रहे हैं तो कपड़े वगैरह लेकर आता। अरे गार्ड इधर नहीं आता, हम चारों के सिवा दूसरा कोई नहीं यहाँ पर। सब अपने अपने अंडरवेयर में स्विमिंग करेंगे आज। भाई 11 बज रहे हैं और गर्मी भी ज्यादा है, मैं तो जा रही हूँ नहाने। अरे रज्जो रुक, मैं भी आती हूँ। रजनी कम कपड़ों में स्विमिंग पूल में छलांग लगा देती है। पीछे से सुरभि पूल में छलांग मार देती है। दोनों जब पानी में डुबकी मारकर ऊपर उठती है तो रोहित और संजीव दोनों के मुंह से आह निकल जाती है। रजनी के भीगे कपड़ों के अंदर से झांकता उसका यौवन किसी भी युवा को बेकाबू करने के लिए काफी था। सुरभि की स्थिति और भी जानलेवा थी। दोपहर की धूप में दमकता हुआ उसका संगमरमरी बदन कयामत ढा रहा था। ये सब देखकर रोहित और संजय दोनों की स्थिति खराब हो जाती है और दोनों स्विमिंग पूल में उतर जाते हैं। संजय इधर आओ। बोलो मेरी जान। अच्छा बताओ कि हम दोनों लड़कियों में ज्यादा सेक्सी कौन है? संजय ये सुनकर झेप जाता है और तिरछी नजर से रजनी को देखने लगता है। रजनी रोहित की कसरती बदन को देख रोहित पर पानी उछाल रही थी। पानी में रोहित की बॉडी टार्जन की तरह लग रही थी। रोहित भी रजनी पर पानी उछाल रहा था, जिससे उसका सफेद टॉप पारदर्शी बन फिगर को और उभार रहा था। रजनी आगे बढ़कर रोहित से चिपक जाती है और उसे कसकर पकड़कर स्मूचिंग करने लगती है। हे संजय, मैंने तुमसे पूछा कि हम दोनों में सेक्सी कौन है, तुम तो रजनी को ताड़ने ही लगे। हाँ नाना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सेक्सी तो तुम ही ज्यादा हो। तो आओ ना, दूर खड़े निहारते ही रहोगे या आगे भी बढ़ोगे? इतना कहकर सुरभि संजय को खींचकर लिपट जाती है और इससे पहले कि कुछ बोल पाए संजय के मुंह में मुंह लगाकर फ्रेंच किस करने लगती है। अब दोनों प्रेमियों के बीच
स्विमिंग पूल में गुत्थम गुत्थी होने लगती है। सुरभि और रजनी दोनों इस सुनहरे पल को हाथ से जाने नहीं देना चाहती और उनका हाथ लड़कों के नंगे बदन पर फिसलने लगते हैं। रजनी रोहित को खींचकर बेडरूम में ले जाकर उसके बदन के एक एक अंग को चूमती है। रोहित शर्माते हुए इसका हल्का सा विरोध करता है, लेकिन रजनी द्वारा अंगों से छेड़छाड़ के आगे विवश हो उसके साथ बह जाता है। रजनी अपनी हर इच्छा को इस तरह से पूरी करना चाहती है और रोहित को भी उसी तरह साथ देने पर मजबूर कर देती है। इधर स्विमिंग पूल में, सुरभि बस करो, मैं अपना आपा खो दूंगा। तो खो दो ना, बस हमारा जम कर साथ दो। ये शादी से पहले ठीक नहीं होगा। देखो रजनी और रोहित भी चले गए यहाँ से, चलो चलते हैं उनके पास। अरे वो लोग मस्ती कर रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। नहीं नहीं, रोहित वैसा लड़का नहीं है, वो एक आदर्शवादी शर्मीला लड़का है। जाने मन, ये जो हुस्न की आग होती है ना, मर्दों के सारे आदर्श को अपने तपिश से पिघला कर रख देती है। पर रोहित हम जैसों में से नहीं है, वो अपने सिद्धांत से समझौता कभी नहीं करता। अच्छा चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सुरभि और संजय दोनों फार्म हाउस के बेडरूम में पहुँचते हैं। सुरभि दरवाजे को हल्का धकेलती है, भीतर का सीन देखकर वो और जोश में आ जाती है और संजय को खींचकर अंदर का सीन दिखाती है। संजय रोहित और रजनी का पोजीशन देख हड़बड़ाकर पीछे हट जाता है, लेकिन सुरभि उसे पीछे हटने नहीं देती, वहीं पर उसे जकड़कर उससे लिपट जाती है और फर्श पर धकेलकर संजय के ऊपर आ जाती है। पूरा कमरा मादकता भरी आवाज से गूंजने लगता है। थोड़ी देर में तूफान के शांत होने पर रोहित वहां से उठकर अपने कपड़े पहनता है और सब भी अपने कपड़े पहन लेते हैं। संजय और रोहित एक दूसरे से नजर नहीं मिला रहे होते हैं, लेकिन रजनी और सुरभि के होठों पर विजय मुस्कान थी। दूसरे दिन कॉलेज में, संजय तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले, अगली बार मैच में मेरे पिच पर तुम पार्टनर रहना। मतलब? यार जिस तरह तुम सुरभि के साथ धुआंधार पारी खेल रहे थे, वो कोई खिलाड़ी ही कर सकता है। मैच में तुम एक ऑलराउंडर जैसा खेल रहे थे और पिच पर लंबे समय तक टिकना ही तुम्हें बेस्ट खिलाड़ी बनाता है। रजनी तुम एक लड़की होकर इस तरह से बात कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे दोस्त रोहित की प्रेमिका हो। प्रेमिका? माय फुट, मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ती। जो मेरी इच्छाओं को 5 मिनट भी पूरी नहीं कर सकता, उसके साथ जिंदगी बिताने की मैं सोच भी नहीं सकती। संजय रजनी की बात सुनकर अवाक रह जाता है। वो रोहित को बताता है कि रजनी ठीक लड़की नहीं, उसे भूल जाओ। रोहित को विश्वास नहीं होता, वो रजनी को फोन लगाता है। रजनी की बातें सुन वो बदहवास हो मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है। अगले दिन कॉलेज में, सुरभि रजनी तो तुम्हारी दोस्त है, उसे समझाओ कि रोहित के साथ ऐसा व्यवहार ना करे, नहीं तो वो बेचारा पागल हो जाएगा। ठीक है, कल मेरे घर पर कोई नहीं रहेगा, पापा के बिजनेस पार्टनर के बेटी की सगाई में ऊटी जा रहे हैं सब, कल आओ घर पर, वहीं रजनी को भी बुलाकर समझाएंगे। ठीक है मैं कल आऊंगा, अपने दोस्त के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। अगले दिन सुरभि के घर पर संजय सुबह 10 बजे पहुंचता है। आओ संजय, रजनी को थोड़ा काम आ गया सो वो दोपहर तक आएगी, गार्डन में धूप है, चलो बेडरूम में बैठते हैं। सुरभि रजनी की तुम अच्छी दोस्त हो, तुम समझाओगी तो रोहित और रजनी दोनों का जीवन सफल हो जाएगा। ओके बाबा तुम बैठो, मैं जरा नहा कर आती हूँ, बहुत गर्मी है आज। सुरभि नहा कर सिर्फ टॉवल में संजय के पास आती है और जानबूझकर टॉवल नीचे गिरा देती है। संजय नजर चुराने लगता है, तभी सुरभि बोलती है कि ये चीज तुमसे छुपी हुई थोड़ी ना है जो नजरें चुरा रहे हो। इतना कहकर संजय के बदन से लिपट जाती है। सुरभि ये ठीक नहीं, कोई आ गया तो? सभी बाहर गए हैं, कोई नहीं आने वाला। रजनी भी तो आ सकती है, वो भी दोपहर तक आएगी मेरी जान। सुरभि अपनी अदाओं से संजय को मजबूर कर देती है। संजय और सुरभि दोनों मदहोशी में जब चरम पर होते हैं, उसी वक्त रजनी पर्दे के पीछे से मोबाइल के साथ निकलती है। संजय हड़बड़ा कर बेडशीट लपेट लेता है। रजनी उन दोनों को MMS दिखाकर संजय को अपने साथ प्यार करने को मजबूर करती है। सुरभि भी रजनी का साथ देकर बोलती है कि अगर बात नहीं माने
तो पुलिस बुलाकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की बात कहूंगी। इस तरह संजय को मजबूर कर दोनों अपनी अपनी प्यास बुझाती है। संजय और रोहित दोनों प्यार में मूर्ख बन जाते हैं।